ए भाई, चलो आज फटाफट बनाते हैं हम शाही पनीर, क्योंकि जल्दी हो रही है तो शाही पनीर जल्दी बन जाता है। चलिए करते हैं तैयारी। के लिए लिए हैं मैंने 2 प्याज रफली काट लिए हैं, 4 टमाटर, आधे चम्मच नमक गलने के लिए, 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये 3 लौंग और 1 हरी इलायची। अब इसको हम थोड़ा सा गलने तक भूनेंगे। देखिए, प्याज और टमाटर हमारे पूरी तरह से गल गए हैं तो हम इसको पीस लेंगे मिक्सी में। सॉरी, आज मुझे काजू डालने का ध्यान नहीं रहा था, तो काजू डालकर थोड़ी देर वो पकने देंगे हम इसे, जिससे काजू गल जाएँ। गलने के बाद ही हम इसकी प्योरी बनाएंगे। क्योंकि तो कढ़ाई में ऑयल लिया है मैंने, सिर्फ तेज पत्ता डाला है, फिर डालेंगे हम ये जो प्योरी बनाई थी हमने, तो ये धोकर डाल देंगे क्योंकि थोड़ी थिक भी ज़्यादा थी। देखिए, तुम्हारी प्योरी ठीक हो गई है, बिल्कुल बेटर इसका ग्रेवी। अब हम इसको पकने देंगे 10 मिनट। नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने थोड़ा ही डाला था गलने के लिए टमाटर को। मिर्च डालेंगे, आधी चम्मच गरम मसाला, इसको चलाकर 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। ग्रेवी हमारी पक गई है तो हम इसमें थोड़ा सा वो डालेंगे, एक फ्रेश क्रीम डाला है, वैसे मलाई भी डाल सकते हैं। इसको डालकर चला देंगे और इसको 10 मिनट के लिए फिर। देखिए, मैंने एक अलग से पैन लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है, बटर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन वो जो आसानी से हो अपने घर में वो डालना चाहिए। तो मैंने घी लिया है, घी में थोड़ा सा मैंने कश्मीरी मिर्च और ये पनीर इसमें हम थोड़ी से 2 मिनट के लिए तल देंगे। 2 मिनट के लिए हमने भून लिया है, इसका रंग भी अच्छा हो गया और ये भी कच्चा नहीं रहा ये पनीर भी। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी, पनीर को ग्रेवी में डाल देते हैं। पनीर हमारा खाने के लिए रेडी हो गया। चलिए करते हैं सर्व और खाते हैं शाही पनीर के साथ रोटियाँ।